हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईटीआई एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर आई है। डीजीटी ने एक नोटिस जारी किया है, वो आपकी परीक्षाओं को लेकर। मैं बताऊंगा कि जो किन छात्रों की जो परीक्षा है वो कैंसिल हुई है और कौन सी डेट को हुई है और अब ये परीक्षाएं कब होंगी, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फिर आप लोग बाद में कमेंट करते रहोगे कि मेरा हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो लास्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखना, सभी आपके कन्फ्यूजन। जैसे कि आप लोग जानते हो 4 तारीख को आपकी परीक्षा थी, है ना, चाहे आप एनुअल हो चाहे आप सेमेस्टर की। तो भाई जो 4 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही थी 4 अक्टूबर से, ठीक है, 4 अक्टूबर से जो परीक्षा स्टार्ट हो रही थी, चाहे आप सेमेस्टर सेमेस्टर का जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया था सैम वालों का, ठीक है, जिनकी ऑफलाइन परीक्षाएं होने वाली 4 अक्टूबर से, ठीक है, उनके लिए। और चाहे आप एनुअल से हो, है ना, चाहे आप अगर एनुअल से भी हो तो भी आपकी 4 तारीख की परीक्षाएं होने वाली थी और वो पोस्टपोन कर दी गई है। अब क्यों पोस्टपोन हुई है उसकी भी सुन लो मुद्दा। आप लोग जानते होंगे एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा था, है ना, रोजगार मेला, है ना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, है ना। किसके लिए था ये था आईटीआई छात्रों के लिए। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है अपना 4 तारीख में, ठीक है, 4 तारीख में यह है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, बताऊंगा बाद में इसके बारे में बाद में, ठीक है, सुन लो। तो 4 तारीख में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, तो छात्रों को तो यहाँ पर पहुंचना ही पहुंचना है 4 तारीख में, है ना, रोजगार मेले में अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, है ना। तो अब एक बात बताइए, छात्र तो वहां पर परीक्षाएं देंगे, है ना, चाहे आप लैपटॉप हो रहा चाहे कोई से भी, सभी छात्रों का यहाँ पर मौजूद होना है, ठीक है। अब छात्र तो वहां पर अपना एग्जाम देंगे, फिर इस रोजगार मेले में कौन आएगा? तो इसी को ध्यान में रखते हुए डीजीटी ने जो ये परीक्षा थी जो 4 अक्टूबर से होने वाली थी इसको पोस्टपोन करते, यानी कि अब ये परीक्षाएं जो होंगी भाई आपकी, ये अब आपकी 8 तारीख में कराई जाएंगी, ठीक है, ये 8 तारीख में कराई जाएंगी, ध्यान रखना मेरी बात को। बाकी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, जो भी आपको 5, 6, 7 भी आपका है, वो सभी आपकी टाइम पर ही होंगी। सिर्फ 4 तारीख की जो परीक्षाएं हैं सिर्फ उन्हीं को कैंसिल किया गया है, ना, सिर्फ जो 4 तारीख की परीक्षाएं हैं उन्हीं को रद्द किया गया है, बाकी जो परीक्षा का शेड्यूल है वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये परीक्षाएं 8 अक्टूबर को कराई जाएंगी, ध्यान दें, ठीक है, 8 अक्टूबर को कराई जाएंगी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इस रोजगार मेले का क्या मैटर है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था इस मुद्दे पर, मैंने एक वीडियो बनाया था कि रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, या तो अपनी आईटीआई से कांटेक्ट करो या फिर आपके जो नज़दीकी नोडल आईटीआई होगी ना, नोडल आईटीआई जैसे सरकारी आईटीआई होते हैं जिले की, तो वहाँ पे जाकर संपर्क करना, क्योंकि वहीं पर जो है इस आयोजन को किया जाएगा, है ना। तो अपनी आईटीआई से एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करना। अब सभी छात्रों को ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, सिर्फ 4 तारीख वालों का पेपर का कैंसिल हुआ है, चाहे आप एनुअल से हो चाहे आप सेमेस्टर से हो, आप कोई से भी आपका एग्जाम हो, सेमेस्टर वाले हो चाहे एनुअल वाले हो, सिर्फ आपका 4 तारीख वाला ही पेपर कैंसिल हुआ है। ये परीक्षाएं अब आगे कर दी गई है, थोड़ी सी 8 तारीख में होगी, ठीक है। बाकी सब शेड्यूल बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो परीक्षा चल रही थी वो परीक्षाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, सिर्फ थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, वो भी इस रोजगार मेले की वजह से, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, सेमेस्टर वाले घूम गए होंगे, मुझे पता है स्टार्टिंग में कि परीक्षाएं कैंसिल हो गई है 4 अक्टूबर की, तो थोड़ी सी आगे बढ़े, यानी ये परीक्षा 8 को कराई जाएगी, ठीक है भाई। तो बाकी सेम टू सेम चलने वाला है। और इसके अलावा जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है अपना परीक्षा दीजिए, और जिसका नहीं आया है तो भाई आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी 5 तारीख तक का जो है शेड्यूल जारी किया गया है, हो सकता है अभी जिनका 5 में एग्ज़ाम है ना, मतलब 5 तारीख में या फिर उससे पहले भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सबका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, मैंने चेक किया है, ठीक है, छात्रों का जो मेरे टच में भी छात्र हैं उनका भी मैंने चेक किया है, तो किसी का भी एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबका धीरे धीरे एडमिट कार्ड आ जाएगा और सबकी परीक्षाएं ली जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सबकी परीक्षाएं ली जाएंगी, ऐसा नहीं है कोई छूट जाएगा, ठीक है। तो अपना परेशान मत होना, जिसका ये परीक्षा है एक बार अपनी आईटीआई से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, इस मुद्दे पर भी कि क्या भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर छोटी से बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है, कोई भी मैं अपडेट चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं हर अपडेट आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है, क्लासेस भी आपकी चलती रहती हैं। अब ये नोटिस आपको जो नोटिस जारी हुआ है ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, डाउनलोड करना है तो चाहे मेन वेबसाइट पे चले जाना एनसीवीटी की, ठीक है, एनसीवीटी के मेन वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो भाई सिंपल तरीका है टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जितने भी ये पीडीएफ मटेरियल होता है ना नोटिस से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल होता है तो मैं सब टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहें टेलीग्राम पे, नीचे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर क्लिक करके टेलीग्राम पे पहुँच जाओ या फिर आईटी एग्जाम सर्च कर लें टेलीग्राम में, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो, क्योंकि ये नोटिस आपको वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है डियर। तो चलो फिर आज की वीडियो को मैं अंत करता हूँ, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।